लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एलिजाबेथ फाइनली आ गई। 3 बज रहे हैं और 3 बजे का शो है। तुम हमेशा ऐसे करती हो लक्ष्मी। अरविंद क्या बात है यार, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। मुझे वो सब नहीं सुनना है, तुम लेट क्यों आई? अभी उसकी स्टोरी सुनोगे ना तो फिल्म की स्टोरी में सोचा। क्या बोरिंग फिल्म है यार अरविंद, तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मेरी देरी की वजह से स्टूपिड बोरिंग फिल्म हमें जरा कम देखनी पड़ी। बोर फिल्म ही अब मालूम पड़ा। अपनी गलती के लिए बेकार की एक्सक्यूज मत बनाओ। के अरविंद मैं तुम्हें क्या बताया, तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगते हो, बताया कभी? 5656 बार। अच्छा इसे तुम हमेशा गुस्से में रहते हो? अब पता चला। मैं हमेशा? अरे भाई साहब, चीज की हद होती है लक्ष्मी। अरे फिल्म देखने दोगे यार? सॉरी बॉस। क्या है? पिछले सारे कौन लेट आया था? अरे तब मेरा टायर पंक्चर हो गया था यार, जेन्युइन प्रॉब्लम थी। जेन्युइन प्रॉब्लम थी? मैं तो जानबूझ के आती हूँ ना लेट, मेरी तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम। लैला मजनू, लड़ना है तो बाहर जाओ यार। सॉरी बॉस, चुप बैठो यार। नहीं नहीं तुम मुझे बताओ, मेरी तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती ना, प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी हो सकती। लक्ष्मी प्रॉब्लम तो तुम हो। प्रॉब्लम नहीं तो क्या करूं मैं? अरे अरे बैठ जा यार, फिल्म तो देखना। तो सॉरी बॉस, ये अच्छा सिस्टम है, गलती भी तुम ही करो और खुद ही गुस्से हो जाओ। गलती मेरी यार। गलती तो हमने कर दी, कबाब में हड्डी बन गए। जोर से बोल दो, तुम क्या बोल रहे हो? इधर इधर देखे, उधर देखे, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मेरी माँ, आई एम सॉरी। सच बात तो ये है कि तुम्हें मुझे इंतजार कराने में मजा आता है। यू एंजॉय इट एंड डोंट स्माइल। ऑफ कोर्स, प्यार का दूसरा नाम इंतजार ही तो है अरविंद। हम्म।
कल सारी जिंदगी निकल जाए इस इंतजार में। तुम गुस्से में ही रहो। ये स्टूपिड बोरिंग फिल्म मेरे 3 घंटे मैंने जो बात कर दी है मैंने बर्बाद की। किसने कहा था टिकट किसने आई थी? मैंने मैंने तुम्हें टिकट तुम्हें पिक्चर देखना था। ट्रॉमेटाइज हो रही हो यार। ये फिल्म देख मेरी गलती है। तुम्हें नहीं देखना तो मुझे भी नहीं देखना। नहीं दोबारा देखेंगे ये फिल्म। भाई वो पिक्चर बंद कर दे। इसकी स्टोरी ज्यादा अच्छी है। इनकी पिक्चर देखते रस्ते रस्ते कभी ढूंढता हूं तुझे दर दर ढूंढते जिंदगी ये कहीं खर्च ना हो जाए घर घर घूमते क्या ये प्यार है क्या ये प्यार है हाँ ये प्यार है हाँ ये प्यार है रस्ते रस्ते कभी सूंघती हूँ तुझे दर दर ढूंढते जिंदगी ये कहीं खर्च ना हो जाए घर घर घूमते क्या ये प्यार है क्या ये प्यार है हारे प्यार है ए हारे प्यार है सूंघती हूँ दर दर ढूंढते जिंदगी ये कहीं खर्च ना हो जाए घर घर घूमते क्या ये प्यार है क्या ये प्यार है हारे प्यार है हारे प्यार है उनको सला दो उनको दबा दो देख हम और थोड़ा जागे हो गया जो हो गया गया ए हम तैयार हैं रसत रसत कभी सूंघता हो तुझे दर दर ढूंढते जिंदगी ये कहीं खर्च ना हो जाए घर घर घूमते क्या ये प्यार है 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 आई लव दिस यम 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 मैं शादी करना चाहता हूँ रोक कौन रहा कोई रोक रहा है क्या हु इज स्टॉपिंग यू मजाक मत करो लक्ष्मी तुम्हारे डैड और कौन यार हाय डैड मैं अरविंद के साथ आइसक्रीम खा रही हूँ वही जिससे मैं प्यार करती हूँ ओके डैड ओके क्या कहा उन्होंने कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हाई दिखाएं। फिर मजाक। तो क्या कहूँ अरविंद? You know how he is, तुम जानते हो कैसे हैं? तुम्हारे पापा भी ना? अरे पुलिस वाले तो क्या समझते हैं हर जगह उनका डंडा चलेगा क्या? पुलिस वाले कम और अंडरवर्ल्ड डॉन ज्यादा लगते हैं। लक्ष्मी अभी बच्ची है। अरे बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो उनको अपना। बच्ची बच्ची बच्ची। मेरे तो समझ भी नहीं आता मैं क्या करूं। 48 क्या? ये बात तुम 48 बार कह चुके हो। अरे लक्ष्मी मैं यहाँ हम दोनों के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ और तुम 2 मिनट के लिए सीरियस नहीं हो सकती क्या? अरे सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद 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 तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम हाँ या ना कहो सिर्फ। हाँ यार लेकिन फिर अरविंद मुझे कोई भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय तुम्हारे। और जब हम जानते हैं कि पापा वैसे भी नहीं मानने वाले तो व्हाट इज द पॉइंट टॉकिंग अबाउट।
जो भी करना है हमें करना है। लेकिन साला करना क्या है यार? 49 ये बच्ची भाग चले सीधा जोधपुर, शादी कर लेंगे, फोटो लेके सीधा दिल्ली, तुम्हारे डैड के पास। दिल्ली में डैड का दिमाग उबलेगा, जोधपुर की गर्मी सब ठंडा कर देगी, और वैसे भी तुम अब तब तूफान सा जोर है हम में, बिजली सा शोर है हम में, बादलों को चीर के जाना है, हर प्यारे को प्यार से भरना है, समंदर सा जोश है। ड्राइविंग का पहला लेसन, ड्राइवर के साथ बैठकर कभी सोना नहीं चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है। ए, सोने के लिए बना किया था, कंधे पर सर रखने के लिए थोड़ी। क्यों?
अब ड्राइविंग में परेशानी नहीं होगी? परेशानी आसानी हो रही है। आसानी हो रही है? अरे तुम हटोगी तो देखूंगा ना। यू आर रियली क्रेजी मैन। राजगढ़ का रास्ता कौन सा है? मैंने बांदीपुर जाना है। लक्ष्मी, ये तो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है। अरे भाई साहब, आपको बांदीपुर जाना है तो मैं क्या करूं? मुझे तो राजगढ़ जाना है ना। राजगढ़ का रास्ता मालूम है कि नहीं आपको? राजगढ़? हाँ। आप ऐसा करो, सीधे चले जाओ यहाँ से। सीधा? हाँ, सीधे चले जाओ, वहां से दाएं मुड़ जाना। नहीं नहीं, बाएं मुड़ जाना, मंदिर मिलेगा। मंदिर? मंदिर से फिर हो लेना, नीचे की तरफ हो लेना आप, धर्मशाला भी मिल सकती है, रुकना मत वहां पे। हाँ, वहां पे कुआं मिलेगा, कुआं। कुएं में पानी नहीं है, सूख गया पानी। अच्छा, फिर वहां से नीचे हो लेना, नीचे से आपको आपको खेत मिलेगा, खेत में भी पानी नहीं है, सूख गया खेत, है ना? चोर है तू। क्या? पानी चोर है तू। क्या? तैने मेरा पानी चुरा लिया है। तूने चुराया पानी? पानी क्यों चुराया तूने? पागल है? तूने मेरा पानी क्यों चुरा लिया भाई? सब तूने पानी क्यों चुराया? बता। अरे तूने पानी चुराया तूने? पानी चुराया तूने? पानी मेरे पानी। ये गाड़ी किसकी हो गई? ये पूछ के बताता हूँ। किससे? गाड़ी से या फिर रोड से पूछूं? अरे अरविंद, इसका ड्राइवर कहाँ है? खाई तो नहीं दे रहा। पता नहीं, अभी अभी यहाँ रखा था मैंने उसको, कहाँ चला गया? स्टूपिड। चलो चलो चलो। मेरे बचपन का दोस्त अरविंद। तुम भी यार कैसे सवाल पूछती हो? नहीं, वीराने ने ये क्या कर रहा है यार यहाँ पे? अरे लगता है लिफ्ट मांग रहा है, दे दे क्या? पागल हो क्या? आई डोंट थिंक सो। अरे बट इस वीराने में बेचारे को मिलेगा और कौन यार? कम ऑन यार, दे देते हैं। ओके। हाय हाय, थक गया मैं। के पीछे मेरी गाड़ी खराब हो गई। हाँ हाँ, देखी थी हमने। आ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू थैंक यू। नूर के हर मोड़ पे देखो तो गौर से,
मुकातिल रास्ते मिलते हैं। आपने देखी होगी मेरी गाड़ी कैसी जगह खराब हो गई। हाँ वैसे काफी वीरान जगह है। नहीं काफी वीरान जगह, यहाँ तो आदमी का नामो निशान तक नहीं, सिर्फ ऊँटे ऊँट दिखाई देते हैं, आदमी का आता पता तक नहीं। मेरा नाम बाबू है। अरविंद, लक्ष्मी। हेलो। हेलो, वैसे आपको जाना कहाँ है बाबू? आप कहाँ जा रहे हैं? जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? दरअसल बात ऐसी है कि हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए। थोड़ा सा? वैसे आप लोग आ कहाँ से रहे हैं? दिल्ली से। हस्बैंड वाइफ? अभी तक तो नहीं। ओहो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? इस वीराने में मोहब्बत का अपना अलग ही मजा है। क्या ख्याल है, लेंगे आप? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। और आप ही मत पीजिए, क्या कि लक्ष्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम है? सॉरी, एलर्जी। यार दो दिन कोई बात नहीं है, मैं खिड़की खोल लेता हूँ, आप एसी बंद कर लो। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैंने आपको बताया ना इनको प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मैं बाहर धुआं फेंक रहा हूँ, धुआं जो बाहर फेंक रहा हूँ। लेकिन शहर मिलेगा आपको, अभी घूमने फिरने बाहर निकले, जरा हवा का मजा लीजिए। देखिए मैं बाहर। अच्छा, मुझे देखिए, देखिए आया कुछ? अच्छा, आपको कुछ आया? आप कुछ एक सिगरेट पी लीजिए। चलिए, थैंक यू, इट्स ओके। नजर उठी कैद में तू, जो आ गया समझ ले, एक बार फंस गया तो फंस गया समझ ले। बंद करो यार। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ और लगाओ यार, ये मुझे पसंद नहीं है। बट मुझे तो पसंद है ना यार। आपको पसंद है? जी नहीं। इन्हें तो वो पुराने घिसे पिटे केएल साइकिल टाइप के गाने पसंद हैं। मुझे भी। ये सुनने देंगे तब ना। प्यार में भी क्या क्या झेलना पड़ता है। इसे मैं 2 साल से झेल रही हूँ। तो छोड़ क्यों नहीं देती? बाबू, आपको किसी ने बताया आप बोलते बहुत ज्यादा है? हाँ, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ने 4 साल पहले बताया था, आजकल वो मेंटल हॉस्पिटल में है। आपको साथ जाना चाहिए था। अभी चलो आपकी गाड़ी में निकल लेता हूँ वहाँ पर। बहुत भूख लगी है तो भाई साहब, इस गरीब को कुछ खाने को दे दो। भाई साहब बहुत भूख लगी है। तो हम क्या करें? इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास। कुछ नहीं है। पीछे पैकेट में बिस्किट पड़े हैं, खा लीजिए। कुत्ता हो क्या? क्या? अरे बिस्किट तो कुत्ते खाते हैं। भाई साहब कुछ कर दो। अच्छा एक काम करो, वहां सामने ढाबा है, वहां रोक लेना, मैं वहां उतर के खाना खा लूंगा। एक काम करते हैं बाबू, आगे मैं रोक देता हूँ, आप उधर जाइए, हम चलते हैं। अरे लेकिन आप मुझे राजगढ़ लेके जाने वाले थे ना? अरे लेकिन हमें लेट हो रहा है ना। लेट हो रहे? कमाल है भाई साहब, मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, आपको उसमें प्रॉब्लम है। मैं गाना सुनना चाहता हूँ, आपको उसमें प्रॉब्लम है। मुझे भूख लगी है तब भी आपको प्रॉब्लम है। अरे आप बोल क्या रहे? एक आदमी जो 4-5 किलोमीटर चल के आ रहा है, अपनी अपनी आंखों से देखा था मेरी क्या गलती, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप खाना खाने के लिए गाड़ी नहीं रोकेंगे? अरविंद रोक लो यार। नहीं खाएंगे तो कॉफी भी ले लेंगे। हां बैठो, कॉफी भी लेना। अच्छा रोको यार, चलो चलो, दिमाग मत खाओ मेरा, मैं रोक रहा हूं आपे। चलो चलो, मुझे कंपनी मिली। नहीं नहीं ठीक है। ओ, प्राइवेट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। छोटे ले जा, साहब बुला रहे। जी साहब। क्या मिलेगा? जो चाहिए मिलेगा साहब। वो तो मैंने आप मलाई मार के ले गया। वो तो नहीं मिलेगा साहब। तो बोला क्यों, जो चाहिए मिलेगा? गलती हो गई साहब। एक मुर्गी, 4 बाजरे की रोटी मक्खन मार के। जी साहब। एक लस्सी। मैडम को एक कॉफी और साहब को पूछ ले से यार। जा। जी साहब। मैंने कहा था इसको लेने को। तुम तो ऐसे बोलो जैसे मुझे मालूम था यार ऐसे निकलेगा। अरविंद आ जाओ, बहुत कमाल की मुर्गी है यार। थैंक्स। ए छोटे, कमाल की मुर्गी है, 2 रुपए ज्यादा दूंगा तुझे मैं। बैठो आ जाओ। बाबू
बात ऐसी है कि तुम अपने बैग्स वगैरह मेरी गाड़ी से निकाल लो, क्योंकि हम राजगढ़ नहीं बस्ती जा रहे हैं, प्लान चेंज हो गया है। क्यों कॉफी इतनी बुरी लगी क्या यार? अरे यार राजगढ़ कहाँ है, बस्ती कहाँ है? तुम शायद समझे नहीं, हम राजगढ़ नहीं बस्ती जा रहे हैं, हमारा प्लान चेंज हो गया है। अपना बैग गाड़ी से निकाल लो। ओके, ये तो चीटिंग है। क्या? ये तो चीटिंग है ना। मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, मुझसे चला नहीं जाएगा, और आप कह रहे हैं आप राजगढ़ नहीं बस्ती जा रहे हैं आप? देखो मैं अभी निकल रहा हूँ, आप अपना बैग निकाल लीजिए और किसी और से लिफ्ट ले लीजिए, ठीक है? अच्छा तो गाड़ी का मसला है, ठीक है, अपनी गाड़ी खराब हो गई तो बाकी लोग जो भी कहेंगे मानना पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, राजगढ़ जाओ चाहे बस्सी जाओ, सामने नाका आता है, वहां से होकर जाना पड़ेगा, आप उड़ के तो जाओगे नहीं, तो वहां तक आप मुझे छोड़ दो, ठीक है? एक काम करो, मैं अभी निकल रहा हूँ, आप नाके तक किसी और से लिफ्ट ले लो ना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, मैं तुमसे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये रेगिस्तान है, यहाँ रेत ही रेत है, ऊंट ही ऊंट है, पत्थर ही पत्थर है, आदमी का नामोनिशान तक नहीं मिलता है यहाँ पर। मेरी गाड़ी खराब हो गई, अब मैं क्या करूँ, मैं किसके भरोसे रहूंगा? भाई साहब यहाँ पर दुकान नहीं होते हैं, यहाँ टूथपेस्ट टूथब्रश नहीं मिलता है, एक दिन हो गया मुझे जोयदाद साफ किए हुए, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं भाई साहब, यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये लोग पानी रखते हैं, नहाते नहीं है उससे, क्योंकि पीना पड़ता है महीनों तक। मेरी बात सुनिए, मैं प्लीज कर दे, हेलो एक्सक्यूज मी, आपको आगे के नाके तक छोड़ देता हूँ, चलिए। इसका क्या करूँ? क्या मुर्गी बहुत अच्छी बनी यार, प्लीज हाँ प्लीज, ये नहीं छोड़ूंगा, दो मिनट दे दो यार प्लीज। ए छोटे जल्दी से क्लासी दे देना यार, नहीं तो सब लोग चले जाएंगे। किसे झील का कमल, ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी कब तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। अरे क्या करो यार तुम, ठीक से बैठो। अरे खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ यार। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड खूबसूरत है यार, क्या किस्मत पाई है यार तुमने। यो बास्टर्ड, क्या माल पटाया है यार। क्या बोला, क्या बोला? और हाँ क्या बोला तू? गाड़ी रोकने के लिए नहीं बोला था भाई, नीचे उतर। क्यों गुस्से कर रहा है यार? मैंने कहा नीचे उतर। यार अरविंद हुआ क्या यार? नीचे उतर। नहीं उतरू तो? क्या? नहीं उतरू तो? बास्टर्ड। उतर गई हैं? अभी कौन उतरेगा इधर? तू लक्ष्मी में जाएंगे। लक्ष्मी चलो ड्राइवर की सीट पे बैठो, चल 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 चल, और तू पीछे हट, पीछे पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, पीछे तू मुझसे बात कर, उसकी तरफ बंदूक कर, कुछ मत कर नारविन, को पीछे पीछे, हाँ मुझसे बात कर, अभी बात करो, उसे कुछ बोल, वैसे करो, वैसे ही मैं समझ रहा हूँ, वैसे ही गन है नारविन, बस गन है, गन है, अभी शराब फटा, चुप चुप सब कोई चुप, अभी सिर्फ मैं बोलूँगा, बाबू बोले, तुम चाहते क्या हो? तुझे पता नहीं है मुझे क्या चाहिए? तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ये गन है, गोली वाली गन नहीं है, इसमें से रंग नहीं निकलता है, इसमें से बुलेट निकलती है, और ये बॉडी डेड बॉडी होगी। लक्ष्मी चलो ड्राइवर की सीट पे बैठो, चलो चलो चल, बाबू बोले तो मेरी बात और कोई नहीं बोले, समझे? देखो अभी हम लोग लेट हो रहे हैं, अभी हमें जाना है। लक्ष्मी चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलो चलो लक्ष्मी। देखो तुम्हें गाड़ी मिल गई है, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो पीछे बैग में। पैसे मांगे? दिल का गुलाम हूँ मैडम, पैसे का नहीं। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? ड्राइवर, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी गाड़ी पीछे खराब हो गई है। लंबी स्टोरी है, लंबी। एक दूसरे को जान ले, पहचान ले, समझ ले। अरे
मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें दे। घबराओ मत, रेप नहीं करूंगा। भागने की कोशिश मत करना, यहां दूर दूर तक छुपने की जगह नहीं है। और इसमें जो गोली पड़ी रहती है ना, चुपचाप शांत, अगर इसे छेड़ा तो एक मिनट। कितने का भरूं साहब? कह रहो एक्टर बनना चाहता है जी। आप कैसे मालूम साहब? थैंकफुल गर जी साहब। इधर कैसे आना हुआ साहब? फिल्म की शूटिंग करने। आप क्या करते हैं? डायरेक्टर। आपने कौन कौन सी फिल्म डायरेक्ट की साहब? हम बन चुके देवदास। लेकिन उसके तो डायरेक्टर संजय लीला बंसाली जी थे साहब। थे नहीं, हैं। जी जी, वो इधर उधर दाढ़ी की वजह से साहब। कब देखा? बहुत पहले टीवी में देखा था साहब। समय के साथ सब कुछ बदल जाता जी। है जी साहब। दाढ़ी साइड से हटाई। हाँ जी। सेंटर में कर जी जी। नया लुक जी। नई हीरोइन जी। नया हीरो। किस किस को लिया साहब? नई हीरोइन वहाँ गाड़ियाँ बैठी हुई है और हीरो ढूंढ रहा हूँ। साहब मैं ये काम साहब पैसे के लिए करता हूँ साहब। वैसे मुझे नाटक करने का बहुत शौक है साहब। साहब मेरे दोस्त लोग बोलते हैं मैं शाहरुख खान जैसा दिखता हूँ। साहब ये बहुत अच्छी बात है साहब कि आप नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं साहब। साहब मैं डांस भी कर लेता हूँ, कहिए तो करके दिखा दो। करके देखा। मुखड़े में चंदा है, चंदे में टुकड़ा है, चारों ओर उजाला। अब यही करते करते गाड़ी साफ कर। होश न खो दे कहीं जोश में देखने वाला, होश न खो दे कहीं जोश में देखने वाला, होश न होश न खो। हाँ मैडम क्या बात है? देखो देखना क्या है, आप तो हीरोइन है, आपको तो साहब हाथ भी मत लगाइए, कोई तरीका नहीं है साहब। बाबू निकलती नहीं है बाबू, मैंने उसको यहाँ पर बुलाया था, उसने कुछ की। साहब हाथी गोले बंदूकें बहुत देखी हमने साहब, ये अच्छी बात नहीं है साहब। बाबू उसको छोड़ दो बाबू। मना किया था ना तुम? हम राजपूत लोग हैं साहब, हमारे दादा परदादा मुगलों के साथ बहुत लड़ाई लड़ी, भमर सिंह नाम है हमारा साहब। देखो साहब हमारे घर में दुनाली बंदूक है साहब। तो लेके साहब ये गुंडा करती है साहब, आपकी शूटिंग नहीं होती। अंदर खींच, नाक से बाहर निकाल, करता छोड़ूंगा नहीं। पुराने गाने सुने? ये किशोर कुमार का है, अशोक है ये।
दो जूते मारना और पेट्रोल के पैसे लेना और पूछना की गोली क्यों चलाई थी। अरे साला साले की कभी फिल्म नहीं देखूंगा। ये कॉलेज का प्यार कोई प्यार होता है क्या? सिर्फ टाइम पास। मैं भी कॉलेज में था 2 साल फर्स्ट ईयर में। ये अरविंद जसू को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मोटरसाइकिल पे चिपका के बिठाना, बीच बीच में ब्रेक मारते रहना ताकि पीछे से करंट आता रहे, कोई नई फिल्म लगी तो बस चलो चल 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 सिनेमा देखने चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं और सिनेमा हॉल के अंधेरे में कोई दूसरी फिल्म चालू ए सर्टिफिकेट की। और जैसे ही किसी दोस्त का खाली कमरा मिला, आई लव यू बोला और हनीमून मना डाल और अगले दिन हम आपके हैं कौन। सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं भी कॉलेज में पढ़ रहा होता तो तुम किसे पसंद करते हैं, उसे या मुझे? मैं अरविंद से प्यार करती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझी। जब तुम अरविंद से प्यार करने लगी थी तो उसमें मैं नहीं था ना वहां पे, तो तुम्हें कैसे पता कि अरविंद अच्छा है कि मैं? उस वक्त तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी ना। अच्छा ये समझ लो कि तुम कॉलेज में घुसती, घुसने के साथ ही हम दोनों को देखती तो किसे पसंद करती? तुम क्या बोल रहे हो? चक्कर में आ गई ना। सोच में पड़ गई है? जब चुनने का सवाल आया तो चॉइस चॉइस की बात है। सरदार जी इधर आओ, ये हो क्या रहा है? ओ जी यही सवाल तो पिछले 3 महीने से मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ इंद्रपाल, ये हो क्या रहा है? ये ऐसे कैसे? ये ऐसे कैसे? हाँ जी। ओ जी ये जो ट्रक है। हाँ जी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रक की बात कर रहा है। ये जो है ऐसे कैसे? दरअसल करतार सिंह से जब ट्रक खरीदी थी तो उसने कहा था सीधी चलेगी। जब करतार सिंह ने कहा था कि सीधी चलेगी, रोड भी सीधी, तो फिर ये कैसे? ओ जी उसके कहने से क्या होता है, पहले हफ्ते में एक्सल टूटी, बाद में ऑयल की प्रॉब्लम हुई। एक्सल टूट जाए, ऑयल की प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ये ऐसे कैसे हैं? ओ जी आपने कभी ट्रक चलाया? लग गई। गरुड़ा बात मत सुन, इधर की बात मत सुन। गरुड़ा गरुड़ा कैसा
बी ओके? नमस्ते भाभी। हेलो। थैंक्स यार। ओए कोई नहीं कोई नहीं, अब तू मुझे सनी सिंह बुलाना शुरू कर दे। सनी सिंह? ओए कदर वाला नहीं देखी तूने? ओए क्या कह रहा? उधर विलन सनी बाजी की वाइफ को पाकिस्तान ले गया, इधर मामला हिंदुस्तान में ही रहा। पर सनी बाजी क्या लेकर गया था? ओए जी ट्रक। हाँ ये बात तो सही है यार। तो हो गया नाम क्या? इंदर। नहीं नहीं सनी बाजी। थैंक यू यार। ओए आगे से किसी को लिफ्ट नहीं देना और शादी करे तो बुला ले। डेफिनेटली थैंक्स। कुछ खोया कुछ पाया फिर पाके खो दिया। जो कुछ भी हो ना था एक पल में हो गया। ये गर्म हवाएं आवारा पागल दीवाने सब रोड पे। पूछ रहा था कि अगर तुम और वो साथ होते तो मैं किसे चुनती? बास्टर्ड। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसे क्या बोलूं। आई नो सारा जड़ा गन दिखा के किसी को भी कुछ भी पूछेगा तो। ऐसी बात नहीं अरविंद, मैं एक्चुअली सोच में पड़ गई। क्या? देखो जब तुमसे मिली तब तो वहाँ बाबू नहीं था ना, अब तो मेरे पास चॉइस है तो या बाबू। सच में यार बहुत मुश्किल चॉइस है। लेकिन मैंने भी ना दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारा नाम ले लिया। अच्छा नहीं किया यार तुमने। कभी सोचा बेचारे बाबू का क्या होगा? कितना बुरा लगा होगा उसे। बेचारा यार मैं तो सोचा ही नहीं। बहुत बुरा लगा होगा ना सरविंद। बहुत बुरा। तो क्या करते जाके उसे सॉरी बोल दो अभी। हाँ ये सॉरी बोलने वाला आइडिया अच्छा है। गाड़ी घुमा लूं। कभी सोचा है तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या है, जान छूटेगी। रियली? इसीलिए पूरे कॉलेज के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे लक्ष्मी आई लव यू, लक्ष्मी आई लव यू। देखो ना यार बचपन में गलती की थी एक, अब तक भुगत रहा हूँ। What do you mean? यही कि मैडम तब मेरे पास चॉइस नहीं थी। Okay.
इंटरपाल की ट्रक थी, उसमें बाबू कहीं उसने इंटरपाल को तो कोई भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि वो दोनों मिले हुए हो? कौन? बाबू इंद्रपाल। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे बीच रास्ते में कहीं इंद्रपाल ने मुझे एक लिफ्ट दी थी, ट्रक ड्राइवर है यार वो, मदद की थी उसने मेरी। लेकिन अरविंद, अगर बाबू ने उसे मारा होता तो उसकी बॉडी तो मिल जानी चाहिए थी, और बाबू भी नहीं है यहाँ पे। अरविंद, इन सब चीजों से हमारा क्या लेना देना यार, चलो राजगढ़ जाते। ठीक है, लेकिन एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा लेते हैं।
क्या है? ये पुलिस स्टेशन है ना? रेलवे स्टेशन है, बाहर बोर्ड ने देखा। रिपोर्ट लिखानी है। किस बात की रिपोर्ट? हाँ वो हम दिल्ली से आ रहे थे और हम? मैं और मेरी वाइफ। वाइफ कहाँ है वो? वो गाड़ी में है। तो? हाँ तो हम राजगढ़ जा रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हो? आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बताऊँ? बताओ। तो हम राजगढ़ जा रहे थे और रस्ते में एक बाबू नाम का आदमी मिला, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, उसे हमने लिफ्ट दी और वो तुम्हारी गाड़ी लेकर भाग गया। मेरी गाड़ी मेरे पास में है, अब आप सुनने की कोशिश करेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। उसने मेरी बीवी को किडनैप किया था। ये पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन नहीं। हाँ जो भी है। नहीं नहीं पुलिस स्टेशन। हाँ फिर मैंने ट्रक से उनका पीछा किया और ट्रक कहाँ से आ गए? अरे मैंने एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली थी। ट्रक वाला कहाँ है? अब आप सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। फिर उस ट्रक वाले ने मेरी मदद की मेरी बीवी को बचाने में। उसके बाद मैं और लक्ष्मी अपनी गाड़ी में वहां से निकले, लेकिन फिर अचानक उसकी ट्रक हमारे पीछे आई और उसमें बाबू था। बाबू कैसे हो सकता? तुमने तो बोला उसको मारकर भगा दिया। अरे मुझे कैसे मालूम, हम तो वहां से निकल गए थे ना। तुम अपनी जान बचाकर भाग आए। देखिए मैं वहां गया था वापस उसे ढूंढने, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब आप समझे? आवे बराती। क्या जय रहे हो, कैसे रही शादी? बहुत बढ़िया सर। हाँ अरे सर क्या कमाल का खाना बना था। तो वे किस ले थे? सर रतन सिंह पूरे दो मुर्गे खा गया। और सर ये पूरे दो दर्जन रसगुल्ले खाए हैं सर इसने। और सर वेज में। सर अब रिपोर्ट लिख लें। इनकी रिपोर्ट लिख लो। जी सर चलिए आइए। यार पता नहीं किसका मुंह देख के घर से निकला था, जब से इस ट्रिप पे आया हूँ एक से एक पागल मिलते जा रहे हैं। फाइनली जब वो लोग वापस आए तो रसगुल्ले और दावतों की बात हो रही है। अरे तुम हंस रही हो? It's so funny. अरे यार पुलिस स्टेशन को चिड़ियाघर बना रखा है। सब साले पुलिस वाले होते ही ऐसे। क्या? नहीं नहीं मतलब कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे तेरा आपके पूजे पापा जी। अरविंद अभी सब बातें छोड़ो यार, बोलो करना क्या है। अब कर भी क्या सकते हैं, शाम हो गई है, अब कल सुबह सवेरे निकलेंगे यहाँ से। वेलकम टू होटल फाइव स्टार। फाइव स्टार हाँ नाम है होटल का। कमरा मिलेगा? होटल में कमरा नहीं तो क्या कैमरा मिलेगा। दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, एसी या एसी। एसी। सिंगल या डबल? डबल यानी ट्रबल। कुछ नहीं नाम अरविंद चौहान। कहीं आप पृथ्वीराज चौहान के खानदान से? जस्ट जोकिंग। आपका नाम? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लिखो। लॉक कर दिया जाए? फिलहाल लॉक की चाबी मिलेगी। गुड जोक। क्या देख रहे हो? ये बेड रोजवुड का है या टीकवुड का? एक्चुअली मैं देख रहा हूं कि असल में मैं ये सोच रहा हूँ कि अम्मा ने तुम्हें किस मटेरियल से बनाया है। नजाकते हसी चुरा न ले मेरे दिल का चैन ये कहीं, जिसने भी बनाया है तुझको वो कमाल है, और उस कमाल पे तो बेमिसाल है।
मस्त मस्त हो रहा है ये रात का सफर, दिल में हलचले उठाए तेरी नजर। गुलाबी गुलाबी तेरे अरमां जो है दीवाने, तुझे छोड़ देंगे तेरे हाल पर। ऐसा अजान जा एक बार मुझको तो आजमा, तेरी बातें बेकार, चाहे तू कर ले कोशिश हजार, आएंगे बात मीना ये कर ले खुले ये बदन की नजाकते हसी। अदा की शोखियां भी क्या कहे, हम तो क्या फरिश्ते भी ना होश में रहे। मरना होश तू ना गवां कर ले, सबर कुछ तो जरा, हम मिलता नहीं है दिल को करार, कब तक करूं मैं हाय इंतजार, हम दिल दोस दिल की मिलावटें यही। जिसने भी बनाया है तुझको वो कमाल है, और उस कमाल पे तो बेमिसाल है। तेरी बात गुम सुन और छत के नीचे हम तो आँखों में तेरी कैसा खुदार, हम जाए कुछ खता देखो यार। नहीं आ रहे हैं। गुड जोक। मैनेजिंग कमेटी की तरफ से मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों को हमारा होटल कैसा लगा? एसी? हाँ हाँ जरूर जरूर लिखिए। एसी वेरी कूल। और रूम सर्विस? एक्सीलेंट। सर्विस की तो क्या बात है भाई, वेरी एफिशिएंट, वेरी गुड, फैबुलस, वेरी गुड। और बिस्तर? एक्सीलेंट, वेरी कंफर्टेबल, परफेक्ट यार, है ना? एब्सोल्युटली गुड। खाना ब्यूटीफुल, कितना टेस्टी था ना? हाँ, बहुत ही फैबुलस, हमें सब कुछ अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं, नहीं फिर भी कुछ ऐसी चीज जो आप लोगों को पसंद नहीं आई, कुछ आप जोक? नो सीरियस, थैंक यू। रोज देख क्यों डरती हूँ? मैडम मैडम, अरे अरे क्या कर रही हो? लक्ष्मी लक्ष्मी, क्या हमारे दीवाने हैं। लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। बहुत हुआ, मैं जिंदा हूँ अभी। हमें
लक्ष्मी तुम्हारे लिए वापस साक्षी, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, ये मेरी जान भी ले ले, भाग मत कर। मैं चाहता तो इसको मार सकता, लेकिन मैंने इसको मारा नहीं था, मैंने इसे छोड़ दिया था। ये आदमी नहीं जानवर, बास्टर्ड। चल गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। नहीं रुकता, जा, नहीं रुकता तू। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? गोली चलाएगा? गाड़ी रोक। अबे दम है तो चला गोली, चला गोली, चला गोली। साला लड़की बेगर रख के बात करता है, मर से तो अब गोली चला, मर गोली साला डरपोक, बाहर देख के आ रहा है तू। इससे अच्छा है कि तुम मेरे हाथों से मरे, इसके हाथों से मरे इससे अच्छा है ये मेरे हाथों से मरे। I'm sorry लक्ष्मी। बंदूक नीचे कर, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ। बंदूक हटा, बोला ना गाड़ी रोक रहा हूँ। गाड़ी रोक, गाड़ी गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, रोक रहा हूँ गाड़ी। बाहर 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 Arvind, get out. रो रही हो? अच्छा है, रो लो, मन हल्का हो जाए। मुझे मालूम नहीं, सुना ऐसा होता है, तुम भी ट्राई करके देख। क्योंकि तुम गलत आदमी के लिए रो रही हो। पागल हो तुम, क्यों छोड़ने देते मुझे? मैं करी जाऊंगी, तुम्हें जो करना है तुम करो। जमीन भी अच्छी है, हवा भी अच्छी है, आसमान भी साफ है, रात होने देते हैं, यही बैग जला के बैठ जाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन हाँ, खाने की प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं, बिस्किट रखी है, वही खा के गुजारा कर लेंगे। नहीं, और तब तक वो क्या 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 नाम उसका, हाँ अरविंद, वो तुम्हें ढूंढता हुआ तो जरूर ही आएगा, ज्यादा दूर भी नहीं आए हम लोग। अच्छा, मुझे उसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चले मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी बातों से बचने के लिए तो दिन भर टीवी देखता रहता हूँ। क्या कहा आपने? शादी के बाद आज तक कुछ कह पाया हूँ?
करे, थोड़ा तेज चलाइए ना गाड़ी। सरकारी गाड़ी है, चल रही है बहुत है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने नाकाबंदी करवा दी है ना। अरे वो लोग नाकाबंदी से पहले निकल गए तो नहीं निकल सकते। तुम्हारा फोन आने के बाद फौरन मैंने चेक पोस्ट लगवा दिया है। ब्लैक सफारी दिखते ही हमारे आदमी उसको पकड़ लेंगे। अगर अगर कोई दूसरा रास्ता है तो? कोई साइड रोड नहीं है, सिर्फ यही एक रोड है। भाई साहब आप प्लीज फिर भी तेज चलाइए प्लीज। पुलिस वाले जहां से सोचना बंद कर देते हैं, बाबू वहां से सोचना शुरू करता है। इधर से जाने का एक ही रास्ता है, लेकिन उन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि इस रास्ते से गाड़ियां बहुत गुजरती हैं। चलो बाहर निकलो। क्यों? तुम्हारे औरत होने का फायदा उठाना है। गिर जाता है रेगिस्तान में सूरजमुखी, कोई माली भी नजर नहीं आ रहा है, तोड़ लूं। कहीं लेकर चलूं? अब मेरा मतलब है कहीं आपको छोड़ दूं? बस मैं कभी किसी को छोड़ता नहीं, बस लिफ्ट करा देता हूं। और लिफ्ट वो गिफ्ट है जो आप जैसे लोगों को देने के लिए बनी है। वैसे आप यहां किसी का इंतजार कर रही थी या आपको पता था कि मैं गुजरूंगा? वैसे मुझे मेरी आज ऐसी कुछ अजीब लग रही है। मुझे भी। कौन हो तुम? आज का अर्जुन, अमिताभ बच्चन बोलूं तो चलेगा? What? Is he with you? She with me, me with her, you not with us. This Sumo is with us. पागल हो गया क्या? दीवाना और आवारा भी। आवारा हूं। अभी चलेंगे सैर करने। ए हाथ निकाल। सॉरी ये लगाओ। ये क्या है? अभी घूमने जाएंगे। हां चल। मैं मसाज कर रहा था। बाबू से छोड़ दो बाबू। ईमानदारी से लिफ्ट दे रहा हूं। और ईमानदारी से लड़की ने मांगा लिफ्ट दिया। मैं मांगता हूं देता क्या? अरे अरे आप तो पूरी गाड़ी ले ली। छोड़ दो मुझे दीदी। दीदी बचाओ मुझे दीदी। दीदी मैं गाड़ी से छूट जाऊं। जैक साहब लक्ष्मी लक्ष्मी कहाँ हो तुम? छुपी है कहाँ लक्ष्मी? मैं तड़पता यहाँ।
देखो तुम्हें पता है मुझे यह खेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहाँ हो तुम? लक्ष्मी, रात होने से पहले घर पहुंचना है। तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ मारना पड़ता है। अगर मैं उसे छोड़ देता तो वो पुलिस के पास जाता, फिर पुलिस हमारे पास आती, फिर 10-11 पुलिस वालों को मारना पड़ता। 10-11 लोगों को बचाने के लिए एक को मारना पड़ा। समझ गए? साहब का वायरलेस मिलते ही हमने यहाँ पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। यहाँ से कोई सफारी नहीं निकली। क्या? देखो, वो लोग हमसे पहले निकली थे ना। हम यहाँ हैं, वो यहाँ नहीं। तो वो लोग गए कहाँ? अभी तो तुम्हारे साथ आया ना। आप पुलिस वाले ना? तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे तुम्हारे लक्ष्मी को मैंने ही किडनैप किया है। बेवकूफ जैसी बात मत कीजिए आप। तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम बेवकूफ मत बोलो यार। गाड़ी बदल तो नहीं ली? दूसरी गाड़ी? अरे वो क्रिमिनल है, उसके पास गन है, वो किसी से भी जबरदस्ती गाड़ी बदल सकता है। ये हो सकता है, लेकिन मैंने तो अरे आप सोच कह रहे हैं, आप बारिश में बात कीजिए ना, आगे चेक ना करोगे भाई। हेलो, हाँ तुम तो कह रहे थे कि गाड़ी खाली है। कौन सी गाड़ी? बाबू की। अरे अब आप उस गाड़ी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उस गाड़ी में अब लाश है। लाश? और तुम कह रहे थे कि वो गाड़ी खाली है। अरे तुम मुझे कैसे बताओ? बाबू की गाड़ी, उससे पूछिए ना। बाबू कहाँ है? अरे बाबू आप मुझे ना, बाबू है ना, बीवी है ना, गाड़ी है, सिर्फ लाश है। चलो थाने। थाने? थाने क्यों? सब पता चल जाएगा, तुम थाने चलो। अरे अरे आप मेरी बात तो सुनिए। बात थाने में जाके करते हैं, तुम सीधे जरा थाने चलो। अरे आप कर रहे हैं, थकने कर रहा हूं, तुम थाने चलो। अरे बात लक्ष्मी को बचा रहा हूं, बहुत दिमाग लगाया, अंदर बैठो अभी। तो एक पागल हो गया, मेरी बात भी सुन रहे हो? अरे चलो गाड़ी में बैठो, चलो बैठो, एक मिनट, एक मिनट, क्या
लटका के दौड़ाऊंगा साले को, नहीं तो सुसाइड करूंगा साले, किसको सामने मुंह देख के ले जाओ। बाबू तुम हो कौन? मतलब मतलब तुम करते क्या हो? मजर भाई का नाम सुना है, उसके लिए काम करता था मैं। वो अंडरवर्ल्ड ऑन? हाँ भाई, नाम इतना बड़ा है और ये इतना सारा रिस्क हम लड़के लोग उठाते थे। पब्लिसिटी पैसा वो बनाता था। मर्डर करो मजर भाई के लिए, पसली करो मजर भाई के लिए, धमकी दिया उसके लिए, जेल गए उसके लिए, 5 साल तक उसके लिए काम करते रहे। मालूम बदले में क्या मिला? घंटा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, इधर देखा था, इधर पहली बार देखा। अच्छा है। मैं और पठान, मेरा पार्टनर, एक बार तय कर लिया कि बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। ऑफिस में 1 करोड़ रुपए पड़े थे वसूली के, अपने हक के पैसे थे वो, चोरी के नहीं। लिया, गाड़ी में डाला और निकल गए। पठान एक बात बहुत सच बोलता था, कभी किसी पे भरोसा मत करो। साला वो खुद ही नहीं समझ पाया क्या बोला। बोला वो, समझा मैं। अभी पीछे की सीट पे सुला के आ गया मैं उसको। ये क्या बोलते हैं इसको, रिंग? हाँ, इधर भी रिंग उधर भी रिंग। ब्यूटीफुल, अच्छा है। जिंदगी भी एक अजीब रोड की तरह है, पता नहीं कब किससे टक्कर हो जाए। मैंने सोचा ही नहीं था कि इस मोड़ पर तुम मुझे मिल जाओगे। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो बाबू? मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल लगती हो तुम। खुल्लम खुल्ला प्यार करे, करे कभी चोरी से, लेके तुझको साथ चले जहां के बार कहीं पे।
खुल्लम खुल्ला प्यार करे करे कभी चोरी से लेके तुझको साथ चले जहाँ के पार कहीं पे कभी तो मोहब्बत कभी तो है लफड़ा कोई यहाँ हल्का कोई तगड़ा और टाइम टाइम की बात है प्यारे मैं रगड़ा या तू रगड़ा चला करे का साथ में ये सब साथ रहेंगे दो दिल जब तक संग तेरे कभी संग मेरे कैसी कैसी आंख में चोर निकल ले भैये संभल ले भैये निकल ले भैये रे खुला प्यार करे करे कभी चोरी से लेके तुझको साथ चले जहाँ के पार कहीं पे कभी तो मोहब्बत कभी तो है लफड़ा कोई यहाँ हल्का कोई तगड़ा टाइम टाइम की बात है प्यारे मैं रगड़ा या तू रगड़ा चला करेगा साथ में ये सब साथ रहेंगे दो दिल जब तक संग तेरे कभी संग मेरे कैसी कैसी आंख में चोली निकल भैया संभल भैया निकल भैया हेलो हाँ यस सर 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 क्या लड़की आप फिकर मत कीजिए सर आप सिर्फ फोटो भेज दीजिए ओके सर क्या हुआ सर मालूम है वो हरामी अरविंद ने किसकी किडनैपिंग की है डीसीपी प्रभात सिंह की लड़की की सर 15 साल की नौकरी में आज तक मुझे किसी ने भी इतना भुल्लू नहीं बनाया सोच में नहला कोई न जाने कौन आखरी कौन यहाँ पर पहला नहले पे दहला पड़ जाए पड़ी सोच में नहला कोई न जाने कौन आखरी कौन यहाँ पर पहला लगे यहाँ जो ताओ कभी दुनिया मुट्ठी में हो जाए अरे पिटे जो मोहरा किस्मत का तो सब मिट्टी में मिल जाए खेल पड़ा है अजब निराला थोड़ा गड़बड़ थोड़ा आला समझ सके तो समझ ले यारा जीवन जैसे एक ठिठोले निकल भैया संभल भैया निकल भैया रे हमने जाना बस इतना ही जाना चार दिनों का चक्कर सारा क्या अपना बेगाना जान जान कर हमने जाना बस इतना ही जाना चार दिनों का चक्कर सारा क्या अपना बेगाना खट्टी मीठी तकरारें सब ये तो चलती रहती है प्यार की बातें लेकिन फिर भी दिल में पलती रहती है प्यार से है ये दुनिया प्यारी और तो झूठी दुनियादारी साला बात सच्ची दिल पे रख कर हमने तो निकल भैया संभल भैया निकल भैया रे निकल भैया संभल भैया निकल भैया रे ओ खुल्लम खुल्ला प्यार करे करे कभी चोरी से लेके तुझको साथ चले जहाँ के पार कहीं पे कभी तो मोहब्बत कभी तो है लफड़ा कोई यहाँ हल्का कोई तगड़ा टाइम टाइम की Thank you.
जी इंस्पेक्टर साहब कहिए। इधर कोई शहरी लड़का आया था? शहरी लड़का? हल्की हल्की दाढ़ी भी है उसकी। नहीं अगर बात क्या है? अगर दिखे तो फौरन खबर करना और मेरे साथ ज्यादा नाटक नहीं करना, नहीं तो तेरा पुराना केस वापस खोल दूंगा, दोबारा नहीं आऊंगा। बात कर रहे हो आप, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को दिखाई देगा इंस्पेक्टर साहब, मैं जरूर आपको इतला कर दूंगा। कर देना। हाँ जी। कौन हो तुम? सलाम साहब। छूने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सेफ्टी के लिए। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करूंगी। अच्छा, लेकिन दुनिया को देखना तो चाहिए कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। क्या लेंगे साहब? क्या क्या है खाने में? सब मटन है, चिकन है। घास फूस में क्या है? आलू मटर है, दाल फ्राई है, पनीर भुजी है। पनीर आलू मटर एक जी, पनीर का भुर्जी दो जी, दाल फ्राई दो जी, रोटी कितना खाओगे? एक। सात रोटी जी सर। जाके लेके आ, जल्दी 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 जल्दी। सब लोग तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं, क्यों नहीं भाई, खूबसूरत हो तो देखेंगे ही। अरे बात करो, नहीं तो लोग सोचेंगे पता नहीं कौन से लोग हैं जो साथ में है भी और बात भी नहीं। आप समझा मैं। देखो पुलिस वालों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं उन लोगों को। केशव भाई, मुझे लक्ष्मी को वापस लाना है। ओए एकदम ट्रेजेडी हो गई यार। ओए इंद्रपाल, ओए देख लग गया। ओ यार तू कहां था यार? परवीन, तो तुझे ढूंढने गया था मैं। ओए वो बाबू पता नहीं कहां से ट्रक के अंदर घुसा, मेरे को मारा और ट्रक लेके गया। ओए वो बाबू को नहीं छोड़ूंगा। इंद्रपाल, छोड़ने से पहले आदमी को पकड़ना पड़ता है ना। एक काम करते हैं, इस एरिया के सभी ढाबों और पेट्रोल पंपों पे फोन करते हैं, कहीं ना कहीं तो रुकेगा इस साला। खाने वालों को खाने का होना चाहिए। पनीर की भुर्जी सबसे अच्छी थी। चले, पुलिस वाला है वो रहा। अल्लूर के ढाबे से वो लोग अभी अभी निकले हैं। अल्लूर? मैंने तो समझा था कि पुलिस वाले को देखकर तुम बचने की कोशिश करोगी, चांस तो ले ही सकती थी। वहां पे और लोग भी थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से उनकी जान भी खतरे में पड़े। पता चलो तुम एकदम भोली। I like you. क्या सोचती हो मेरे बारे में? क्या सोचती हूँ? नहीं मतलब मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा? दिल से बोलना, मैं माइंड नहीं करूँगा। देखो बाबू, तुम अच्छे आदमी हो या बुरे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो कुछ भी कर रहे हो खुद को बचाने के लिए कर रहे हो। तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। अरे बाबा, फिर तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम तो मुझे समझने लगी हो, मैं तो पसंद करने लगा हूं। तुम तो मुझे समझने लगी हो, अभी मुझे कभी तक किसी ने समझा ही नहीं था। लाइट ऑफ करो।
आवाज दो। नमस्ते सर। नमस्ते, और क्या बात होगी? कुछ नहीं, जरा तलाशी चल रही। अच्छा, जरा नीचे उतरी और टिक्की खोलकर दिखाई। ये क्या हुआ आपकी? तो ये वाइफ, रोटी अच्छी नहीं लगी। मैंने बोला उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। बेलन शादी हुई है आपकी? जी नहीं, अभी नहीं। वैसे भी आप जैसे स्मार्ट लोगों को शादी करने की क्या जरूरत है सर? अच्छा सर, आप ढूंढ किसको रहे? एक क्रिमिनल को। ये क्या है उसने? एक लड़की को अगवा किया उसने। अच्छा, बताइए आप लोगों की कितनी भारी ड्यूटी है। क्रिमिनल तो अपना काम करके चला गया, पर आप लोग इतने ठंड में, सुनसान रात में उसको खोजने में लगे। लेकिन सर, पहचानेंगे कैसे आप लोग? भाग कर जाएगा कहां साला। वैसे फोटोग्राफ वगैरह है हमारे पास। देख सकता हूँ सर? ये है। ये तो लड़की की है। उस क्रिमिनल की है? क्रिमिनल की? हाँ। क्यों, देखा इसे कहीं? पहली बार। जाओ सर। हाँ चलिए आओ। ओके सर। सर अगर डेंजर तो? नहीं नहीं, बिल्कुल साफ है, जाइए आप। थैंक यू सर। ए, जाने दो ने। जी साहब। सर एक एडवाइस दूं? बोलिए। शादी बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए जाइए आप। ए, जाने दो ने। बेलन जी, बेलन पकड़ लिया सर। ठीक चल रहा है? जी हाँ सर। तुम्हें वो घर से भगा कर लेके आया? हम दोनों साथ में भागे थे। आइडिया किसका था? उसका। मालूम था, साला डरपोक। कहानी सुना के बहका दिया। मैं अगर उसकी जगह होता तो पता है क्या करता? मैं तुम्हें डैडी के पास जाता और बोलता, सर मुझे आपकी बेटी लक्ष्मी से प्यार हो गया है, अभी शादी करनी है। क्या बोलते हैं? हाँ तो हाँ, ना तो भी हाँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि यह सब हुआ, नहीं तो पूरी जिंदगी उस डरपोक के साथ गुजारनी पड़ती। पूरी जिंदगी। सोचा कभी लक्ष्मी, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है, सोचती नहीं। नहीं तो कोई दूसरा सोचना शुरू कर देगा, और दूसरा सोचेगा तो बहुत तकलीफ होती है। जब तकलीफ होगी तुम्हें सोचने का मौका मिलेगा, तब तक सोचने का समय नहीं रहेगा। सोचो, सोचो इसके पहले कि बहुत तकलीफ हो जाए। मैं जब सोचता हूँ तो दूसरों को तकलीफ देता हूँ। जी। ए, ए, रुको गाड़ी, रुको। नीचे उतर जल्दी। हाँ उतर, नीचे उतर। क्या पैसा दे रहा? क्या लाइसेंस? लाइसेंस मांगा है? हाँ चेकिंग, चेकिंग, चेक। गाड़ी दिखाओ। कोई नहीं, कोई नहीं, ट्रक एकदम खाली है। तो खाली गाड़ी लेके रोड पे क्या सैर करने जा रहे हो? ट्रक ड्राइवर रोड पर नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? चल चल गाड़ी दिखा। कोई नहीं, कोई नहीं, ट्रक एकदम। बकवास बंद करो, अभी गाड़ी दिखाओ। ए गाड़ी दिखाओ, अंदर से। ए चल गाड़ी चेक कर इसकी। जी सर। कोई टेंशन नहीं है। कुछ नहीं सब। हाँ कुछ नहीं सब। हाँ चलो ठीक है ठीक है। ए जाओ गाड़ी चढ़ो। मैं निकला गाड़ी लेकर। गदर देखिए। हाँ गदर। गाड़ी निकल पहले।
देखो तुम थक गए हो, आराम कर लो, गाड़ी मैं चलाती हूँ। सोचना शुरू कर दिया। मैं आराम करूंगा और तुम आराम से गाड़ी को पुलिस स्टेशन में ले जाके खड़ी कर दोगी। इंदर थोड़ी देर संभाल ले यार, तुझे कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा। इंदर घर किसका? जो रहे उसका। रेगिस्तान में आयाशी, सब अमीरों के चोचले हैं। डराए दिया यार। आप लोग कौन है? अपने साहब को बोल, बाबू और लक्ष्मी आए हैं। साहब तो गांव गए, मंगल को आएंगे। हाँ तो मंगल दिन क्या है? सैटरडे। अरे यार मैं तो भूल ही गया था यार। हाँ वो तो ट्यूसडे को आने वाले हैं। कोई बात नहीं, तू है ना देखभाल करने वाला, चल दरवाजे खोल। मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। अरे पहली बार आया तो पहली बार देखेगा ना। चल दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। देखो साहब मैं आपको नहीं जानता। मैं भी तुझे नहीं जानता। तू चौकीदार है कि चोर? ए साहब क्या बात कर रहे हैं आप? अपने साहब का नाम बता। दिनेश चौहान। महेश चौहान को जानता है? रमेश चौहान, गणेश चौहान। नहीं। तेरे साहब के तीन और भाई हैं। महेश चौहान के दो लड़के हैं, दिनेश चौहान के तीन लड़कियां हैं। लड़के के लिए अभी तक ट्राई कर रहे हैं। गणेश चौहान का एक बेटा है 5 फुट 10 इंच का, बाबू चौहान, ये रहा मैं। अब अरे 2 साल यहाँ काम करने के बाद तुझे क्या लगा चौहान खानदान के बारे में तू जान जाएगा? कल को अमेरिका वाली मेरी दीदी आएगी यहाँ पर, तू उसको भी नहीं पहचानेगा, ताला तक नहीं खोलेगा। और तुझे पता ही है कौन है? पता है तुझे कौन है? मेरे साहब की दूसरी वाइफ की बेटी, समझ गया? किसी को बताना मत, तेरे मेरे बीच की बात है, समझा? चल दरवाजा खोल। देखो साहब मैं छोटा आदमी हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ होगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे यार नहीं नहीं नहीं, ये पूरे खानदान का इतिहास खोल के रख दिया, आपका कपड़ा खोल दूं यहाँ पर? मेहमान आने वाले तो साफ बता कर जाते हैं। यार मालिक आके खड़ा तो मेहमान की बात, बहुत बड़े हैं साहब। मैं मिनिस्टर डीसी को बुला के खड़ा कर दूं क्या साहब? मैं बात कीजिए साहब, आप साहब से बात कीजिए। तू चले जाता है तू।
बचपन में मेरी माँ जब मुझे मारा करती थी तो सिर्फ एक ही बात कहती थी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक ही कहती थी। कौन? सर जयदेव बोल रहे। हाँ बोल जयदेव। सर वो लड़का सही कह रहा था। कौन लड़का? अरविंद, उसकी बताई सफारी मिल गई सर। अच्छा, और गाड़ी के पास एक लाश मिली है सर। किसकी? मालूम नहीं सर, गाड़ी से एक बैग मिला है और उसमें अरविंद की किसी लड़की के साथ फोटो भी। अच्छा तुम एक काम करो, वो फोटो लेकर यहाँ जल्दी पहुंचो। क्या बड़ा घर बना है, नहीं बहुत पैसा खर्च किया है। अरे बाबा क्या किचन है ये, काफी खाते पीते घर का आदमी लगता है ये। बेडरूम किधर है? लगता है क्या इस लड़की को किडनैप करने की जरूरत है? लेकिन सर कमिश्नर साहब झूठ क्यों बोलेंगे? तुम्हारी लड़की अगर किसी के साथ भाग गई तो तुम क्या बोलोगे? मेरी लड़की भाग गई, इसका मतलब है वो लड़का सच कह रहा था। हाँ सर, लड़की है, गाड़ी है और शायद बाबू भी है। अरे वाह, अच्छा है नहीं? तो मैं सो जाऊं। चाचा चाची सबके कपड़े हैं यहाँ पर। अरे बाबा ये भी शौक रखते हैं। थोड़ा सा मैं ले लूं प्लीज। पूरे सफर में तुम्हें ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत। जैसा कोई देखा ही नहीं। बहुत खूबसूरत हो तुम सच में। Thanks.
होते तो कुछ भी कर सकते थे। मैंने पहले ही कहा था मैं रेप नहीं करूंगा। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो मैं कुछ देर के लिए बैठ जाऊं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे जैसे लोग होते दुनिया में। मतलब तुम खून करते हो, डाके डालते हो, लेकिन तुम्हारे भी कुछ उसूल है। अब तो ये लगने लगा है कि शायद तुम हमसे भी ज्यादा सच्चे हो। फिर सोचती हूँ कि जब तुमने ये रास्ता चुना तब तुम्हारी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। लेकिन बाबू तुम दिल के बहुत अच्छे हो। थैंक्स। से पहले भी पूछ चुका हूं और अब भी पूछता हूं, अगर कॉलेज में तुम मुझे और अरविंद को एक साथ देखती तो किसे पसंद करती? सेफ्टी के लिए ऐसे गुस्से में क्यों देख रहा है यार? मालूम है चोट लगी है तुझे सर पे और मुझे यहां। प्यार किया है कभी? अरे मैं तो सोचता था ये सब बेकार की चीजें हैं, मुझे प्यार हो ही नहीं सकता, लेकिन हो गया। बाबू को प्यार हो गया। अब तो जागते हुए भी उसके सपने देखता हूं यार। क्या लड़की है, परी, एकदम परी। पता है पहली नजर में क्या हुआ था? डर गई थी। और अब देख 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 कैसे देख रही है। Thank you.
नजर में डरी थी दूसरी में भी डर गई रे सिसकी में जो सांस भरी थी सिसकी में जो सांस भरी थी इश्क से मुझको भर गई रे दिखाई वो पिस्तौल किए थे जिसने टुकड़े मेरे मर मर के जिया था सदमों ने डाले थे घेरे भर गई उसकी आंखें सुन के आंख मिचोली हो गई रे थैंक्स बाबू बाबू थैंक्स थैंक्स जो बोली थैंक्स जो बोली थैंक्स तो बाबू को बेकाबू कर गई रे पैसों का असली नकली चेहरों का खून भरे थप्पों का भूतों के शहरों का रंग के नरक का उल्टे सुल्टे फैसलों पहली नजर में डरी थी दूसरी में भी डर गई रे दुश्मन था मैं सूरज का दुश्मन था खुशियों का ना डर नहीं ना घर नहीं दुख दर्द का राही था पहली नजर में डरी थी दूसरी में भी डर गई रे सिसकी में जो सांस भरी थी ओ सिसकी में जो सांस भरी थी इश्क से मुझको भर गई रे दिखाई वो पिस्तौल किए थे जिसने टुकड़े मेरे मर मर के जिया था सदमों ने डाले थे घेरे भर गई उसकी आंखें सुन के आंख मिचोली हो गई रे थैंक्स जो बोली थैंक्स जो बोली थैंक्स तो बाबू को बेकाबू कर गई रे पुलिस पीछे अरविंद मैं डॉक्टर को बुलाइए प्लीज गोली लगी मैं ठीक जा घर रख रहा अब कहां भागेगा बच्चू Oh
पुलिस स्टेशन। हेलो कौन? क्या कौन चौकीदार? कहाँ से? मैं वहां पहुंचता हूँ, तुम सब लोग जल्दी वहां पहुंचो। हाँ ठीक है। ए चलो गाड़ी निकालो। जी सर। गाड़ी निकालो जल्दी। जी जी। अच्छा चलो चलो। सिखाऊं तुझे अंडे का फंडा। क्या मुर्गे अंडा खाएगा हैं? अरे शर्मा मत यार, तू तो अभी मेरा जिगरी है, लव स्टोरी जानता है मेरी। जरा नजर रखना यहाँ पे, ठीक है? अभी आया मैं ऊपर देख करके। अंडे का फंडा फंडा, फंडे का अंडा फंडा, फंडे का अंडा फंडा, फंडे का अंडा। मॉर्निंग बाबू, रसोईया हाजिर है। शुद्ध शाकाहारी मुर्गी का ताजा ताजा ऑमलेट, ये लो। थैंक यू। मेरी माँ को तुम बहुत पसंद आओगी। अच्छी नहीं है? नहीं ठीक है। थैंक्स। देखो बहुत गलत कर रहे हो तुम, मुझे बांधने से कुछ नहीं होगा। रतन सिंह यादव का मैं पक्का। सर सर रतन सिंह बोल रहा हूँ। रतन सिंह, हमसे अरविंद के बारे में बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो बेकसूर है। अब सलाह बाबू का पता मिल गया है। शिव गांव में घुसते ही दाई तरफ अच्छी सड़क लगेगी। मेरे गांव में एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ नहर है, एक तरफ तालाब है। कभी नदी में नहाओ तो कभी तालाब में नहाओ। सर नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, अभी हम दोनों साथ में हैं। वो दिख रहा है मुझे, तुम ज्यादा चालक बनने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो भी आपका अरविंद ने बोला था सब कुछ सही था, लेकिन अभी कहानी बदल चुकी है। लक्ष्मी तुम्हें बोलो ना, पागल हो गया क्या तू? मैं पागल हूँ? आप पागल हुए हैं क्या? आप पुलिस वालों को ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? बात सुना नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ सलूट करना सिखाया जाता है। कर देखिए, शुरू शुरू में हमको प्रॉब्लम थी, इनको मुझसे प्रॉब्लम थी, मुझे इनसे प्रॉब्लम थी, सिगरेट पीने की प्रॉब्लम थी, म्यूजिक की प्रॉब्लम थी, खाने की प्रॉब्लम थी, गाड़ी की प्रॉब्लम थी, लेकिन क्या है कि अब सब कुछ बदल चुका है। पहले ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, अभी मेरी गर्लफ्रेंड है। लक्ष्मी तुम्हें देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ। अरे क्या आखिरी बार बात कर रहे हैं आप? अपनी बात नहीं सुना चाहते? अच्छा लड़की की बात सुनना चाहते? मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया लक्ष्मी, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती किया? ये मुझसे प्यार करती, बोलो तुम जाएंगे? हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अपनी बात सुनो। जाएंगे नहीं, ये लोग हैं। कानून के लोग हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। याद है ना माँ ने क्या कहा था? भूतों के भतीजे आ गए। चलो पीछे का से, पीछे का। कोई बात समझने को तैयार ही नहीं? नहीं भी मारना चाहो तब भी मारना पड़ता। एक बेवकूफ से निपटो तो दूसरा तैयार। बाबू से टक्कर लेगा? बाबू प्लीज अब उसे मत मारना। ठीक
जल्दी चल के सब। प्लीज इसे मारने दो, मुझे पास और कोई चॉइस नहीं है। जिंदगी में कोई उधार बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी बात मानो, इस उधार को भी चुकता कर ही लेते। मैं समझता हूं प्यार जाते जाते जाता है। सिर्फ एक गोली बची है, कोई और चारा नहीं है, समझ रही हो ना? Oh!
अरविंद अरविंद को गोली नहीं है अरविंद गोली नहीं है लेकिन ये 150 किलो लॉयस कटपट्टी पे घुमा दूं तो दो टुकड़े हो जाएंगे इसकी खोपड़ी के मैं और लक्ष्मी हो जाएंगे तू इधर ही रुक रुक के इधर सुनाई नहीं दिया क्या पीछे हट एक कदम ही आगे बढ़ाया तो दो मार दूंगा मैं इससे मार दे बहुत भागा तेरे पीछे बहुत अब नहीं मारेगा ना दो टुकड़े करेगा ना उसके कर दे लेकिन उसके बाद मैं तेरे कितने टुकड़े करूंगा तू गिन भी नहीं पाएगा पागल हो गया क्या तू मैं मजाक नहीं कर रहा तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूं मार दूंगा इसे बोलना बंद करके दिखाओ तब मार मार चल छोड़ दिया मोहब्बत की तकलीफ समझता हूं मैं इश्क मैंने भी किया है अरुण बस और नहीं इसे मार के अपने हाथ क्यों गंदे करते हो तुम तो मुझसे भी गंदी निकली नूर के हर मोड़ पे क्या होगा टांग तो टूट गई साले की 25 फुट खोदेगा तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और इधर 50-50 मील तक आसपास कोई नहीं ए बाबू अब किसी से लिफ्ट लेके देख चारों ओर से बाय बाय एक पल में क्या हो जाए सब बेखबर जिंदगी और मौत भी चलती है रोड पर रोड के पठान तो सच कहता था किसी पर भरोसा मत करता और साथ में तो बिल्कुल नहीं लंबी लंबी रात है बिलो तन्हाई जहां खत्म हो रहा I'm a no-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 no
We'll be right back.